सुप्रभात बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के हिंदी विषय के ऑनलाइन वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय के क्षितिज पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत गद्य खंड के पाठ 2 बाल गोविंद भगत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। उन्हीं के द्वारा लिखित यह पाठ बाल गोविंद भगत है और हम आज के अपने इस वीडियो में राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। पाठ को पढ़ने से पूर्व हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। लेखक परिचय। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों और कठिनाइयों में बीता, अर्थात इनका बचपन, इनके जीवन का प्रारंभिक वर्ष बहुत संघर्षों में बीता, क्योंकि बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। दसवीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार वे जेल भी गए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर यह स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और आगे स्वाध्याय के बल पर ही उन्होंने हिंदी साहित्य की विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। साहित्य की ओर इनकी रुचि रामचरितमानस के अध्ययन से जागृत हुई। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं एवं कृतियां। राम वृक्ष बेनीपुरी जी बेहद प्रतिभाशाली थे। उन्होंने अनेक दैनिक साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: रेखाचित्र, माटी की मूर्तें, लाल तारा, संस्मरण, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, कहानी में चिता के फूल, उपन्यास पतितों के देश में, नाटक में अम्बपाली, सीता की माँ और रामराज्य। इन्होंने तरुण भारती, कर्मवीर, बालक, किसान, मित्र, कैदी आदि का संपादन भी किया। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। 15 वर्ष की आयु से ही राम वृक्ष बेनीपुरी जी पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। देश सेवा के परिणाम स्वरूप इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा, पर ये राष्ट्र सेवा के साथ साथ साहित्य की भी साधना करते रहे। नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण आदि सभी क्षेत्रों को इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रसाद दिया। इनके इन्हीं गुणों के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली हुई है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। तो बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन परिचय, उनकी कृतियां एवं साहित्यिक परिचय के पश्चात अब हम चलते हैं बाल गोविंद भगत नामक पाठ परिचय की ओर। पाठ परिचय। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की
सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो बच्चों, बाल गोविंद भगत नामक पाठ परिचय के पश्चात अब हम चलते हैं बाल गोविंद भगत नामक पाठ की ओर। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार कर रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, एक कबीर पंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो इन्हें मिलता, उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। बच्चों, वाचन के पश्चात अब हम चलते हैं व्याख्यान की तरफ। कठिन शब्दों के अर्थ। मझोले का अर्थ होता है ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। कमली का अर्थ होता है कंबल। पतोहू का अर्थ होता है पुत्रवधू। रोपनी का अर्थ होता है धान की रोपाई। कलेवा का अर्थ होता है सवेरे का जलपान। राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित इस पाठ में बाल गोविंद भगत नामक व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। पाठ के शुरुआत में, आरंभ में, राम वृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत जी के विषय में बताते हैं कि वह किस प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। बाल गोविंद भगत जी मझोले कद के अर्थात सामान्य कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर ही होगी। बाल पूरा पक गए थे, लंबी दाढ़ी तो नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा बाल पकने के कारण पूरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था। कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर में मात्र एक लंगोटी पहने थे और सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। जिस प्रकार कबीर पंथी, कबीर के विचारों को मानने वाले व्यक्ति अपने सिर पर टोपियां धारण करते हैं, उसी प्रकार वह भी, बाल गोविंद भगत जी भी कबीर पंथी टोपी धारण करते थे और जब ठंडक का मौसम आता तब एक काला कंबल ऊपर से ओढ़ लेते। उनके माथे पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक ओर से ही टीके की तरह शुरू होता था,
उसी तरह यह रामानंदी चंदन अपने मस्तक पर लगाते थे। लेकिन इनके इन सब रूप के कारण यह ना माना जाए कि वह सिर्फ साधु थे, वे गृहस्थ थे, अर्थात उनके भी घर परिवार था। उनके गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल सी माला हमेशा बंधी रहती थी। अब इन सब तस्वीरों से हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, वह गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी के विषय में अर्थात उनकी पत्नी के बारे में तो लेखक को पूरी तरह कुछ नहीं याद है, लेकिन उन्होंने उनके बेटे और बहू को देखा है। लेखक आगे बताते हैं कि उनकी थोड़ी सी खेतीबाड़ी भी थी और एक अच्छा और साफ सुथरा मकान भी था। लेकिन खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते तो बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सारी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, अर्थात साधु संतों के सारे गुण बाल गोविंद भगत के अंदर मौजूद थे। कबीर दास जी के आदर्शों पर यह चलते थे, ये कबीर को साहब मानते थे, कबीर दास के ही गीतों को वह गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते थे और किसी से भी दो टूक बात कहने में ये संकोच नहीं करते थे, अर्थात अपनी बातें ये स्पष्ट रूप से हर किसी से व्यक्त करते थे। किसी से भी यह झगड़ा नहीं करते थे और किसी की भी वस्तु को बिना उससे पूछे यह कभी नहीं स्वीकार करते थे, कभी नहीं लेते थे। इस नियम को वह कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता, लोग आश्चर्यचकित होते कि यह कैसे ये सब कर लेते हैं, किस प्रकार ये अपने जीवन में कबीरदास जी के आदर्शों पर चलते हैं। और तो और वह शौच के लिए भी किसी दूसरे के खेत में नहीं जाते थे, अपने ही खेत में जाते थे। वे गृहस्थ थे लेकिन उनकी सारी चीज साहब की थी, साहब अर्थात कबीरदास जी। जो कुछ भी इनके खेत में अन्न पैदा होता उसे सिर पे लाद कर यह वही कबीरदास जी के दरबार में लेकर के जाते थे, जो कि उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। उस कबीरपंथी मठ में वह अनाज वे भेंट स्वरूप चढ़ाते थे और उसके बदले उन्हें जो प्रसाद के रूप में उस मठ से प्रसाद मिलता, प्रसाद के रूप में जो भी अनाज प्राप्त होता उसी को वह वापस ला करके उसी से अपना गुजर बसर चलाते थे। इन सबसे ऊपर लेखक आगे कहते हैं कि इन सबके अलावा अर्थात बाल गोविंद भगत जी के आदर्शों, उनके कार्यों से लेखक बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन इन सबके अलावा जो लेखक को सबसे अधिक मुग्ध करती है वह है उनकी सदा सर्वदा गीत, उनके मधुर गान, उनकी मधुर वाणी में गाए हुए कबीरदास जी के गीत, कबीरदास जी के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। अर्थात बाल गोविंद भगत जी कबीरदास जी के पदों को बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत ही मधुर स्वर में गाते थे। लेखक आगे कहते हैं कि आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ का अर्थ यह होता है कि सावन का महीना, रिमझिम का अर्थ होता है धीरे धीरे बारिश, छोटी छोटी धीमी धीमी बूंदे पड़ रही हैं। तो बरसात के मौसम में आषाढ़ के महीने में पूरा गांव खेतों पे उतर पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र में आषाढ़ के महीने में धान की रोपनी की जाती है, उसी का वर्णन लेखक करते हैं। कहते हैं कि आषाढ़ की रिमझिम है, पूरा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं धान की रोपाई हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल उछल कर खेल रहे हैं और औरतें यानी घर की महिलाएँ सवेरे का जलपान लेकर बैठी हैं, यानी सुबह का नाश्ता, सवेरे का जलपान लेकर घर की महिलाएं खेतों के मेड़ों पर बैठी हैं। आसमान बादल से गिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है या कौन है या पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को
संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? भादो की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चीहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही हैं, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चीहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही। तो बच्चों, वाचन के पश्चात अब हम व्याख्यान की तरफ चलते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। पुरवाई का अर्थ होता है पूरब की ओर से बहने वाली हवा। अधरतिया का अर्थ होता है आधी रात। दादुर का अर्थ होता है मेढक। खंजड़ी का अर्थ होता है ढपली के ढंग का, परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र। निस्तब्धता का अर्थ होता है सन्नाटा। राम वृक्ष वेणीपुरी जी आगे कहते हैं कि आसमान बादलों से घिरा हुआ है, धूप का कहीं नामो निशान नहीं है, अर्थात चारों तरफ बादल ही बादल हैं। बरसात के महीने में, आषाढ़ के महीने में जब वर्षा ऋतु होती है, बरसात का मौसम होता है, तो पूरे आसमान में बादल छाए रहते हैं, कहीं भी धूप दिखाई नहीं देता है। ठंडी पूरब की ओर से चल बहने वाली हवा चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार से कर उठी, अर्थात किसी का गीत इनके अंतर्मन को झंकृत कर देता है। यह क्या है या कौन है, यह पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाल गोविंद भगत का पूरा शरीर कीचड़ में लिथड़ा, वे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनके एक एक उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही हैं, अर्थात वे धान की रोपनी कर रहे हैं, और उनका गला, उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के सीढ़ियों पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर आसमान की ओर भेज रहा है, स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को पृथ्वी की मिट्टी पर, अर्थात नीचे खेत पर खड़े हुए लोगों के कानों की ओर। अर्थात जब बाल गोविंद भगत अपने सुरीले अंदाज में गीत गाते हैं, तो कुछ गीत ऊपर आसमान की तरफ सीढ़ियों के सहारे चढ़ के जा रहा है, और कुछ गीत वहाँ आसपास खेतों में धान की रोपनी कर रहे लोगों के कानों में पड़ रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतें के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, अर्थात बाल गोविंद भगत जी के गीत में वह जादू रहता है कि लोग इनके गीतों को सुनकर गुनगुनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, अर्थात हलवाहे जो हल चलाने वाले हैं खेतों में, वे लोग भी अपने पैरों को ऐसे ऐसे ताल उनके ताल के साथ उनके गीत के साथ मिलाने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं, और बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? इसे जादू ही कहा जाएगा कि इनके गीतों के, इनके मधुर गान पर लोग इतना सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि इनके गीतों को गुनगुनाने लगते हैं। भादो की वह अधेरी आधी रात है, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा हुई है, अर्थात बहुत घनघोर
मूसलाधार का अर्थ होता है बहुत घनघोर। घनघोर वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अर्थात बरसात के मौसम में जब बारिश समाप्त होती है तो मेंढक टरटर की आवाज़ करते हैं, काफ़ी आवाज़ आती है, लेकिन उन सभी के आवाज के बीच में बाल गोविंद भगत जी के संगीत को, उनके गीत को वह मेंढकों की टरटर की आवाज भी नहीं मिटा सकती, नहीं डुबा सकती। उनकी खंजड़ी जो कि ढपली की तरह का है किंतु आकार में ढपली से छोटा होता है, उससे झनझन की आवाज निकलती है। उस खंजड़ी को दिमक दिमक बजा रहे हैं और गा रहे हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना, अर्थात एक महिला का जिक्र कर रहे हैं कि पिया तो उस महिला की गोद में ही है, अर्थात उसके प्रियतम, उसके पति तो उसकी गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। और ऐसा सोचकर, ऐसा अपने मन में विचार करके वह कौंध उठती है, चिहुक उठती है, उसको ऐसा महसूस होता है कि वह अकेली है, और ऐसा विचार कर, ऐसा सोचकर वह चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अपने आप कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे नहीं चौंकाएगा। अरे अब सारा संसार सन्नाटे में सोया है, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत खुद भी जग रहा है और दूसरों को भी जगा रहा है। बाल गोविंद भगत जी कहते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, अर्थात लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चलती हैं, यानी कार्तिक के महीने से लेकर के फागुन के महीने तक चलती हैं। अगर हिंदी माह महीने की हम बात करेंगे तो नवंबर से लेकर के फरवरी तक, इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, हाँ पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतना मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही उनके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की इस संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर
भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहल वश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसीदर भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है। वाचन के पश्चात अब हम व्याख्यान की तरफ चलते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। लोही का अर्थ होता है प्रातःकालीन की लालिमा। कुहासा का अर्थ होता है कोहरा। आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ। कुश का अर्थ होता है एक प्रकार की नुकीली घास। बोदा का अर्थ होता है कम बुद्धि वाला। तो बच्चों, लेखक बाल गोविंद भगत जी के ठंडी के मौसम की दिनचर्या बताते हैं कि ठंडक में बाल गोविंद भगत जी की दिनचर्या क्या रहती है। लेखक कहते हैं कि ना जाने किस वक्त जग कर बाल गोविंद भगत नदी स्नान को जाते, जो गांव से 2 मील दूर था। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपना गीत शुरू कर देते। लेखक शुरू से ही देर तक सोते हैं, लेकिन एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, अर्थात माघ की उस दांत किटकिटा देने वाली ठंडी में सुबह के समय उनका संगीत अर्थात बाल गोविंद भगत जी का संगीत लेखक को पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, पूरब में प्रातःकालीन की लालिमा अर्थात सूर्योदय की लालिमा हो चुकी थी और जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा सब पर कुहासा ही कन कोहरा ही कोहरा छाया था। ठंडक के मौसम में प्रातःकाल सुबह का भोर का समय है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। पूरी पृथ्वी पर जिधर भी देखिए कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है, लेकिन पूरब की दिशा में सूर्य की लालिमा धीरे धीरे बढ़ रही है। और उसी समय लेखक उस पोखरे पर जाते हैं जहाँ बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लेकर गीत गाते रहते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुख की एक काली कमली ओढ़े अर्थात काला कंबल ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का ताता लगा था, अर्थात लगातार बाल गोविंद भगत गाते जा रहे थे। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी, अर्थात लगातार खजड़ी बजा रहे थे और अपने गीत गा रहे थे। और गाते गाते वह इतना मस्त हो जाते थे, इतने सुरूर में आ जाते थे कि उत्तेजित उठते थे और मालूम होता कि अब खड़े होकर के अभी गाने लगेंगे, अभी खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे चली जाती थी और उस कपकपा देने वाले जाड़े में लेखक को बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन बाल गोविंद भगत जी के मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही उठते थे। और गर्मियों में अब लेखक आगे उनके गर्मियों के शाम का वर्णन करते हैं कि गर्मियों में उनकी संझा अर्थात उनकी शाम कितनी भी उमस भरी शाम को शीतल ना कर दे, अर्थात उनके गीत गर्मियों के उमस भरी शाम को भी शीतलता प्रदान करती थी। उनके मधुर गीत लोगों को बहुत अच्छे लगते थे। उस उमस भरी गर्मी में भी वे उनके गीत लोगों को शीतलता प्रदान करते थे। अपने घर के आंगन में वह आसन जमाते थे और गांव में जो भी कुछ उनके संगीत प्रेमी थे, जो उनके गीत को प्रेम पूर्वक सुनते थे, वह लोग इकट्ठा हो जाते थे। उनकी प्रेमी मंडली आ जाती थी और खजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत गाते तो उनकी जो प्रेमी मंडली थी उसे दोहराती तिहराती, यानी एक गीत बाल गोविंद भगत शुरू करते तो उनकी जो प्रेमी मंडली थी, जो गीत गाने वाली मंडली थी, उसे दोहराती तिहराती रहती थी। और धीरे धीरे इतना ऊंचा स्वर होने लगता था कि एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से कि उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं का भी मन ऊपर उठने लगता था, यानी श्रोता भी मंत्रमुग्ध होकर के उनके गीतों को सुनने लगते थे और धीरे धीरे तन मन पर हावी हो जाता। होते होते एक चढ़ ऐसा भी आता था कि बीच में खजड़े लिए बाल गोविंद भगत नाचने लगते थे, अर्थात वो भाव विभोर हो जाते थे। भाव विभोर होकर वह कबीर के पद गाते गाते गीत गाते गाते वह खड़े होकर के उसी मस्ती में नाचने भी लगते और उनके साथ उनका तन और मन नृत्यशील हो उठता था।
सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, अर्थात आंगन में जहाँ यह आसन जमा करके अपने संगीत प्रेमी मित्रों के साथ अपनी मंडली लगाते थे, अपनी सभा लगाते थे, वहाँ सब लोग खजड़ी और करतालों की ध्वनि से, मधुर संगीत से, मुग्ध कर देने वाले गीतों से पूरा वहाँ का आंगनमय संगीतमय हो जाता था। बाल अब लेखक आगे बताते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष मैंने उस दिन देखा जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, उनके एक बेटा और एक बहू थी, तो उनका बेटा स्वर्ग सिधार जाता है, उसी का वर्णन लेखक करते हैं। कहते हैं कि बाल गोविंद भगत कितने बड़े संगीत प्रेमी थे, उनकी संगीत साधना कितने चरमोत्कर्ष पर थी, यह मैंने उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बूढ़ा सा था, अर्थात कुछ कम बुद्धि का था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उस पर और अधिक ध्यान देते थे, उसको और भी मानते थे, क्योंकि बाल गोविंद भगत जी का यह मानना था कि जो बालक कम बुद्धि वाला है, इस प्रकार के बच्चों, इस प्रकार के लोगों के साथ और प्यार दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये निगरानी और प्यार के ज़्यादा हकदार होते हैं, इनको और अच्छे से इनकी देखभाल करनी चाहिए। और बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, बड़े धूमधाम से शादी कराई, उनकी बहू भी बहुत अच्छी महिला थी, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर अर्थात घर के सारी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेकर बाल गोविंद भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, अर्थात पूरे घर की जिम्मेदारी इनकी बहू ने अपने ऊपर ले रखी थी, अर्थात बहू इनकी बहुत सुशील और बहुत अच्छी महिला थी। उनका बेटा बीमार है इसकी खबर लोगों को कहाँ है, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है, मृत्यु तो एक न एक दिन आना ही आना है, और वह बाल गोविंद भगत के बेटे को लेने के लिए आती भी है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहल वश उनके घर गए, देखकर मैं दंग रह गया। बेटों को आंगन में एक चटाई पर लिटा कर एक सफ़ेद कपड़े से इन्होंने ढाक लिया था, वहाँ कुछ फूल ये हमेशा अपने घर के आसपास फुलवारी रखते थे, यानी फूलों को रोपते रहते थे, और उन्हीं में से कुछ फूल तोड़कर, उन्हीं पौधों में से कुछ फूल तोड़कर इन्होंने अपने बेटे के ऊपर बिखरा दिए थे। फूल था और तुलसी दल भी था, तुलसी का जो पौधा होता है उसमें तुलसी दल होता है, तुलसी के बीज होते हैं, उन्हीं को तुलसी दल बोला जाता है, तो फूल और तुलसी दल दोनों थे। सिरहाने एक चिराग जल रखा है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं, वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तोल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, और यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी, साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते, रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते, 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली,
इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नियम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेतीबाड़ी देखना दिन दिन खींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तो बच्चों, अब हम व्याख्यान की तरफ चलते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। संबल का अर्थ होता है सहारा। लेखक आगे बताते हैं कि बाल गोविंद भगत के पुत्र का जब देहांत हो जाता है तो बाल गोविंद भगत उसके सिरहाने चिराग रखे हैं और उसके जमीन पर ही आसन जमाए गीत गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। ऐसा लग रहा है कि जैसे बाल गोविंद भगत के ऊपर उनके पुत्र के निधन का कोई प्रभाव ही ना हो। घर में उनकी बहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराती हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। लेकिन गाते गाते कभी कभी अपनी बहू के नज़दीक जाते और उसे कहते कि क्यों रो रही हो, रो नहीं, आनंद मनाओ, उत्सव मनाओ। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। अर्थात वे कबीर पंथी में विश्वास करते थे और कबीर दास जी का ऐसा मानना था कि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। तो उसी उदाहरण को यह अपने बहू को समझाते हुए कहते हैं कि रो मत, खुशियां मनाओ, क्योंकि इसकी आत्मा जो थी वह परमात्मा के पास चली गई है, अर्थात विरहिणी अपने प्रेमी से मिल गई है। भला इसे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता कि यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वे जो कुछ भी कह रहे थे उसमें उनका विश्वास था। और यह चरम विश्वास ही है जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। अर्थात मानव के शरीर से सिर्फ आत्मा निकलती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी शरीर को छोड़कर, पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। और इसी मान्यता को बाल गोविंद भगत जी मानते थे। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, अर्थात बहुत अधिक शानो शौकत से उसका क्रियाकर्म नहीं किया, अपनी बहू से ही उन्होंने आग दिलवाई, जो कि उस समय समाज में व्याप्त मान्यताओं के खिलाफ था। लेकिन बाल गोविंद भगत जी ने समाज में व्याप्त उन बुराइयों को चुनौती देते हुए, अपनी बहू से ही आग दिलवाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहु के भाई को बुलाकर, अर्थात अपनी बहू के भाई को बुला करके उसके साथ कर दिया और कहा कि ले जा करके इसका पुनः विवाह करा देना। अर्थात पुनर्विवाह और विधवा विवाह को भी इन्होंने मान्यता दी, जो कि उस समय अमान्य माना जाता था। अर्थात जो सामाजिक बुराइयां थी उस पर इन्होंने कठोर प्रहार किए। लेकिन इनकी बहू इन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वह कहती थी कि अगर मैं बुढ़ापे में चली गई तो आपके बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, कौन आपका सहारा बनेगा, आप बीमार पड़ेंगे तो कौन पानी देगा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। इनकी बहू बहुत ही सुशील महिला रहती है। वह कहती है कि आप मुझे अपने से अलग मत कीजिए, अगर मैं नहीं रहूँगी तो इस बुढ़ापे में कौन आपका सहारा बनेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल रहता है। वह कहते हैं कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं ही इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे उस बेचारी की एक न चली और वह अपने भाई के साथ चली गई। और उसके भाई को बाल गोविंद भगत ने आदेश दिया था कि इसका पुनः विवाह करा देना। लेखक आगे कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की मौत भी उन्हीं की तरह, जिस प्रकार वह एक संत थे उसी प्रकार उनकी मौत भी हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते और स्नान पर इनकी उतनी आस्था नहीं थी जितना संतों के समागम और लोक दर्शन पर।
अर्थात साधु संतों का जहाँ संगम होता था, साधु संत जहाँ इकट्ठे होते थे, वहाँ इन्हें बहुत अच्छा लगता था। ये पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को सहारा लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगेगा? जो साधु है वह किसी से सहारा नहीं लेता है, और जो गृहस्थ होता है वह भिक्षा नहीं मांगता है। तो इसी को चरितार्थ करते हुए ये घर से खाकर चलते, और तो घर पर ही आकर फिर भोजन करते थे। अर्थात रास्ते में या ना किसी से मांगकर भोजन करते, ना किसी के यहाँ भोजन करते, अपने घर से ही खाकर चलते और वापस घर पर ही आकर भोजन ग्रहण करते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, और जहाँ प्यास लगती वहाँ पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। लेकिन अब बुढ़ापा आ गया था। कहा जाता है कि हर व्यक्ति का शरीर थकता है। जब बुढ़ापा आता है तो शारीरिक रूप से भी व्यक्ति कमज़ोर पड़ने लगता है, और ठीक यही बाल गोविंद भगत जी के साथ हो रहा था। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही था, जवानी वाली ही। इस बार लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत ठीक नहीं हुई, थोड़ा बुखार आने लगा। लेकिन नियम व्रत तो वो छोड़ने वाले नहीं थे, अर्थात नियम और धर्म का उन्होंने परित्याग नहीं किया। बीमारी हालत में भी, उस बुढ़ापा अवस्था में भी, बीमारी की हालत में भी जो नियम धर्म उनका जवानी में था, वही नियम धर्म उन्होंने चालू रखा। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बारी करना दिन दिन खींचने लगे। अर्थात दिनों दिन इनको क्रोध आने लगा। लोगों ने कहा कि नहाइए धोइए मत, नहाने धोने से लोगों ने मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। और उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। ऐसा प्रतीत होता जैसे वीड़ा से तार टूट गए हों, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। और सुबह में लोगों ने गीत नहीं सुना। जब लोगों ने इनका गीत नहीं सुना तो सबको आश्चर्यचकित हुआ, सबको बहुत आश्चर्य हुआ, हर कोई आश्चर्यचकित हुआ कि आखिर क्या कारण है कि बाल गोविंद भगत जी ने आज गीत नहीं गाया, जो कि वहाँ की पहचान थी। भोर का गीत, प्रतिदिन सुबह में भोर में ही बाल गोविंद भगत जी अपनी खजड़ी बजाते हुए कबीर जी के पदों को गाते थे, लेकिन उस दिन किसी ने भी उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, अर्थात उनके शरीर से उनकी आत्मा निकल चुकी थी, उनका निर्जीव शरीर मृत पड़ा हुआ था। अर्थात जिस प्रकार से एक संत अपने शरीर, एक संत की आत्मा शरीर का त्याग करती है, ठीक उसी प्रकार से बाल गोविंद भगत जी की भी आत्मा उनके शरीर का त्याग करती है। जब लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था। तो बच्चों, हमने राम वृक्ष बीनी पुरी जी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत नामक पाठ को पढ़ा। उम्मीद है कि आप सबकी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप सब बाल गोविंद भगत नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।